माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दादरी में मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकरण में एक तो कुछ जाति सवाल उठाए जा रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम राजनीतिक प्रश्न उठाना चाहते हैं जिले की जनता की ओर से। तो हमने ये प्रश्न उठाया है कि इस प्रतिमा के ये जो प्रतिमा है ये 3-4 साल पहले बनी थी, लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बनाई। दादरी जिस कॉलेज में लग रही है उसका संचालन गुजर विद्यासभा करती है। गुजर विद्यासभा में 99% मेंबर जो हैं गुजर हैं, उन्हीं के पैसे से प्रतिमा बनी है, ठीक है जी। उसके अनावरण के कई बार कार्यक्रम हो गए थे। अब ये क्या किया है भारतीय जनता पार्टी, जो कि हर मामले में चोरी करती है, चोरी से इसे अपना कार्यक्रम बना लिया। चलो ये या तो गुजर विद्यासभा कार्यक्रम होना चाहिए था या मीर भोज कॉलेज का कार्यक्रम होना चाहिए था। वो अलग बात, उसका जवाब दूंगा मैं आपको, लेकिन मैं अपनी बात कह लूँ पहले। तो हमारा प्रश्न ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमने 10 प्रश्न पूछे हैं, समाजवादी पार्टी ने पूछे हैं जिले की जनता की ओर से। नंबर एक, इस प्रतिमा के निर्माण एवं स्थापना में आपकी सरकार अथवा पार्टी ने क्या 1 रुपये का भी योगदान दिया है? नंबर दो, क्या आपने, आपकी सरकार ने अथवा पार्टी ने 1 रुपये का योगदान मीर भोज कॉलेज के विकास के लिए दिया है? नंबर तीन, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने मीर भोज कॉलेज को 1995 में 20 लाख रुपये की मदद की थी। उस समय एक कमरा 51,000 रुपये में बनता था, आज 10 लाख रुपये में बनता है। अगर उस महंगाई दर के हिसाब से देखें तो क्या आप 4 करोड़ रुपये इस कॉलेज को देकर जाएंगे? ठीक है। नंबर चार, क्या आप मीर भोज कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा करेंगे, जो लंबे समय से हमारी मांग है कि इस कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जाए? क्या आप जेवर एयरपोर्ट का नामकरण सम्राट मीर भोज के नाम पर करेंगे? अगर राजपूत भी कह रहे हैं हमारा मीर भोज और गुजर भी कह रहे हैं हमारा, और आज तक नया तीसरा एंगल भी आ गया, वैश्य समाज कह रहा है कि हमारे हैं मीर भोज। तो अगर वो सर्व समाज के हैं, हाँ बैठे पंडित जी, तो जेवर एयरपोर्ट का नाम मीर भोज के नाम पर रखा जाना चाहिए, इन्हीं समुदायों की यहाँ बहुत आयत है। नंबर छः, आपके मुख्यमंत्री रहते नोएडा, गेट नोएडा, यमुना प्राधिकरण के किसानों का मुआवजा 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। अखिलेश यादव जी ने 7 लाख रुपये से 35 लाख किया था मुआवजा, तो क्या आप इसको कम से कम 4 गुना बढ़ाएंगे जो वर्तमान दर है? नंबर सात, आपके मुख्यमंत्री रहते एक भी किसान को 64% मुआवजा और 10% आबादी नहीं मिली है, क्या आप सभी किसानों को अतिशीघ्र 64% मुआवजा और 10% आबादी देने की घोषणा करेंगे? नंबर आठ, आपके मुख्यमंत्री रहते नोएडा, ग्रेटर नोएडा के उद्योगों में स्थानीय युवकों की भर्ती बंद हो गई है, 250 किलोमीटर के बोर्ड लगा रखे हैं, 250 किलोमीटर तक का आदमी नहीं लिया जाएगा, क्या आप स्थानीय युवकों के रोजगार के लिए प्रयास करेंगे और इसके लिए स्थानीय युवाओं से माफ़ी मांगेंगे? नंबर नौ, जिले में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, DMIC, UPSIDC, दादरी NTPC और जेल एयरपोर्ट के लाखों किसान आंदोलनरत हैं। आपकी पुलिस बार बार किसानों को जेल भेज देती है, पिछले सप्ताह ही नोएडा के 100 किसान जेल से रिहा होकर आए हैं, क्या आप इन सभी किसानों की मांगें पूरी करने की घोषणा करेंगे? नंबर 10, आपकी सरकार द्वारा बिजली की दरें अंधाधुंध बढ़ाई गई हैं, बढ़ी हुई बिजली की दरों से गरीब किसान पीड़ित हैं, बिल बकाया होने पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाता है, क्या आप विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे अत्याचार को बंद करने का काम करेंगे? 2017 का चुनाव लड़ा था तो इनका संकल्प पत्र उठा के पढ़ो, इन्होंने कहा था 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे उत्तर प्रदेश में और 25 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, क्या कोई बनी है? इनके आश्वासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन्होंने ये भी कहा था इंटर पास करने वाले हर बच्चे को लैपटॉप देंगे, क्या एक भी बच्चे को लैपटॉप मिला? इन्होंने ये भी कहा था गन्ना किसानों के का मदद करेंगे, क्या 1 भी रुपया गन्ने की कीमत बढ़ाई? तो झूठ बोलते हैं। जाके कोई विरोध हमारे करते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं। हम ये पत्र मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे और हम चाहेंगे इनके जवाब दें। लेकिन अगर समाज के लोग वहाँ जाकर काले झंडे दिखाते हैं, विरोध करते हैं, जो होर्डिंग फाड़ते हैं, उनसे 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी दादरी आ रहे हैं सम्राट मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। हमारा पहला सवाल तो यही है कि ये गुजर विद्यासभा का कार्यक्रम है, गुजर विद्यासभा इसमें पैसे खर्च कर रही है, गुजर विद्यासभा ने प्रतिमा बनवाई, गुजर विद्यासभा ने कॉलेज बनवाया, भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रुपये का भी योगदान इसमें नहीं दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पहला सवाल तो हमारा यही है कि 1995 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो इस कॉलेज में आए थे और 20 लाख रुपए दे के गए थे,
उस समय 51,000 रुपये में एक कमरा बनता था, आज 10 लाख रुपये में एक कमरा बनता है। तो उस हिसाब से योगी जी को कम से कम 4 करोड़ रुपये इस कॉलेज को देना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहिए, बहुत पुराना कॉलेज है, अंग्रेजी टाइम का बना हुआ कॉलेज है। तीसरी बात हमारी ये है कि जिले की जनता पीड़ित है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, ना तो किसानों का मुआवजा बढ़ाया गया है, ना किसानों को 64% दिया गया है, ना किसानों की आबादी छोड़ी जा रही है। बीजेपी सरकार ने सब बंद कर दिए काम, विकास कार्य बंद हैं, क्या इन्हें चालू कराएंगे? और एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बीजेपी के शासन में जो यहाँ पर उद्योग लगे हुए हैं उनमें लोकल बच्चों की भर्ती बंद हो गई है, कंपनियों ने बोर्ड लगा रखे हैं कि 250 किलोमीटर दूर तक का आदमी नहीं लिया जाएगा। तो क्या मुख्यमंत्री जी इसके बारे में कुछ बोलेंगे या ये ऐसा क्यों हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी नौजवानों की विरोधी है। तो ये तमाम हमारे सवाल हैं और इस ज़िले में एक भी विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। जैसे पहले मायावती की सरकार रही तो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, 4 कॉलेज बनाए, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही तो वो नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो लेकर आए, उन्होंने 2 मेडिकल कॉलेज दिए हमारे ज़िले को, एक कासना में एक नोएडा में, उन्होंने एलिवेटेड रोड दी, उन्होंने दादरी में नया तहसील भवन बनाया। और जिस इंटर कॉलेज का शिलान्यास योगी जी कर रहे हैं इसमें दादरी में, ये कॉलेज भी अखिलेश यादव जी का स्वीकृत किया हुआ है, तभी चुनाव हो गए थे, 5 साल में योगी जी उसका निर्माण शुरू नहीं कर पाए। अब सरकार का जब कार्यकाल पूरा हो लिया है तो उसका शिलान्यास कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? 5 साल में तो इंटर कॉलेज बनकर तैयार हो जाता, बच्चे पढ़ते उसमें। तो ये हमारे सवाल हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह इस देश के बहुत बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह ने नारा दिया था अजगर अहीर जाट गुजर राजपूत, वो कहते थे ये चारों एक ही पिता की संतान हैं, एक ही जाति हैं, इन सबको मिलकर रहना चाहिए। हमारा भी यही मानना है कि ये सब भाई भाई हैं, भाइयों को आपस में मत लड़ाओ, लड़ाने का काम बीजेपी करती है, ये विवाद भी बीजेपी ने पैदा किया है, बीजेपी के लोगों ने पैदा किया है। इस ज़िले में राजपूत समाज और गुजर समाज प्रेम के साथ रहते हैं, आपस में भाईचारे के साथ, हमारा कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है।